तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जो दो पोलर ब्लू पैरट लाया था, मैंने ब्रीडिंग के लिए वो लाया था, ब्रीडिंग पे आता और वो एक ले कर दिया है, उसका एक हैचिंग भी हो गया और अब फाइव भी निकल आया है। ये बहुत ही बड़ा एक गुड न्यूज़ है क्योंकि ये काफ़ी कम मिलता है मार्केट पर, बहुत ही रेयर है। रेड पैरट, येलो पैरट तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन ये पोलर ब्लू पैरट जो होता है काफ़ी कम मिलता है। तो कैसे मैंने हैचिंग किया, कैसे ये फ्राई निकला है, आपके साथ वो पूरा इन्फॉर्मेशन सारा शेयर करूंगा ताकि इसका आपका हेल्प हो जाए हैचिंग करने में। तो जो लोग ब्रीडिंग करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। स्किप करके मत देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैंने कैसे हैचिंग किया है। देखिए, पैरट फिश जो होता है बहुत सारा तो एक दे देता है, लेकिन 70% हैचिंग नहीं होता। तो कैसे हैचिंग मैंने किया आपके साथ पूरा शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। I was waiting for her call. She was talking to someone. I just need some time alone. तो फ्रेंड्स, मैंने आ गया, मेरे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक पे ही मैंने ब्रीडिंग किया है। 42 गैलन का टैंक है ये, अलग एक सेपरेट टैंक है उस ब्रीडिंग पेयर के लिए। आप भी ऐसा कीजिए, जो फिश का ब्रीडिंग करना चाहते हैं उसको अलग सेपरेट एक टैंक दीजिए, कम्युनिटी टैंक मत दीजिए, उसको ब्रीडिंग करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए आपको फ्राई दिखाता हूँ और पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट जब वो एक देंगे, इस तरह का एक ग्लास के साथ चिपक रहेगा, आप देख सकते हैं इस तरह का ग्लास के साथ चिपक रहेगा, आपको ये नोटिस करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बोलूँगा, अब देख लीजिए इसको। तो एक देने के एक दिन बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह का क्ले पॉट एक्वेरियम के अंदर डाल देना होगा, आप देख लीजिए। इस तरह का क्ले पॉट आप एक्वेरियम में अंदर डाल दीजिए, वो नेक्स्ट दिन सारा एक इसका अंदर लेकर चला जाएगा। और एक चला लेकर चला जाने के दो दिन बाद इस तरह का फ्राई निकल आएगा, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप फ्राई देख सकते हैं, ये है इसका फ्राई, थोड़ा बड़ा हो गया, ये लगभग दो से तीन दिन बाद बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इस स्पॉट से वो बाहर आ गया, फ्राई अभी बाहर आ गया है। तो जब एक देंगे वो, आप इस तरह का पॉट दीजिए ताकि वो उस एक को सेव रख कर सकते। और कोई कोई लोग गलती कर देते हैं एक देने के बाद और फ्राई होने के बाद क्या करते, मेल को हटा देते हैं, या और कोई कोई लोग मेल फीमेल दोनों को ही हटा देता है। अब ऐसा मत कीजिए, मेल और फीमेल दोनों को ही रखिए। एक देने के बाद मेल को हटा देंगे तो क्या होगा, एक हैचिंग भी नहीं होगा। एक हैचिंग होने में मेल मदद करता है इसका, तो अब ऐसा मत कीजिए, हैचिंग होने दीजिए एक को और मेल को हटा मत दीजिए, ठीक है। आप जो एक जो देख रहा है ये फीमेल, इसका फ्राई के ये बहुत ही प्रोटेक्शन करता है और मेल भी बहुत ही प्रोटेक्शन करता है, इसलिए मत हटाइए मेल फीमेल दोनों को, ठीक है। आपको मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। आप जो फीमेल देख रहा है, इसका बेली में देखिए रेड कलर का मार्क होगा, देखिए लाल कलर का मार्क होगा, आप समझे ये है फीमेल, ठीक है। और फीमेल थोड़ा लंबाई होगा और थिन भी होगा, और मेल जो होगा ना राउंड शेप में होगा। अब देख लीजिए फीमेल को इस तरह बेली में मार्क होगा रेड कलर का, ठीक है। और आप उस गलती को मत कीजिए, मेल फीमेल को मत हटाइए, ठीक है। दूसरे पीसेस की तरह ये नहीं है, ये अपने फ्राई को और एक को बहुत केयर करता है, बहुत ही प्रोटेक्शन देता है मेल फीमेल बोथ। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्राई एक अंदर रह गया पॉट के अंदर और सारा जो है बाहर आ गया। ये जो फीमेल आप देख लीजिए, दिखाता हूँ, इसका बेली में आप देख सकते हैं रेड कलर का मार्क है, ये है फीमेल, ठीक है। ये है मेल, थोड़ा राउंड शेप में है, आप देख लीजिए ये है मेल इसका, और फीमेल जो है इसका बेली में रेड कलर का मार्क नहीं है, अब देख लीजिए। और ये जो फीमेल आ रहा है, देखिए आ रहा है, इसका बेली में रेड कलर का मार्क होगा, मेल जो है थोड़ा राउंड शेप में होगा, इस तरह का राउंड शेप में होगा कुछ, और फीमेल जो है थोड़ा थीन होगा और बेली में रेड कलर का मार्क होगा,
आप ऐसे पहचान सकते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। और फ्राई आप देख सकते हैं यहाँ पर है, फ्राई बड़ा हो गया इसलिए बाहर आ गया, लेकिन वो पॉट के अंदर ही रहता। बड़ा होने के बाद वो घूमने लगेगा फिश टैंक पर, पूरा फिश टैंक में। आप जब हैच करेंगे ना दूसरे को ही फिशेस को इससे मात रखिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत एग्रेसिव रहता है। आप देख सकते हैं फीमेल कितना एग्रेसिव है, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, ये देखिए बाहर आ गया फ्राई, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं हट रहा है क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टिव है इस मछली को। पैरोट फिश जो है होता है ना उस फ्राई को बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है उस फ्राई के लिए, ठीक है। और ऐसा गलती मत करना, मेल फीमेल को मत हटाना, जब ये खड़ा हो जाएगा तभी भी इसको हटाना है, ये इस फ्राई को नहीं खाता। बहुत सारा लोग गलती कर देता है क्योंकि इस फ्राई को खा जाता है लेकिन ये नहीं खाता है, ठीक है। तो मुझे शायद उम्मीद है आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है और आपको समझ आ गया कैसे मेल और फीमेल आइडेंटिफिकेशन करना होगा और कैसे हैचिंग भी करना होगा। तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए नए फिशेस की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, इस फ्राई का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।